नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा राठी, मेरे चैनल ज्ञान कुंड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे ज्ञान के कुंड से जो जानकारी निकलने वाली है वो है बिजनेस से संबंधित जानकारी, यानी आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग की। मल्टी लेवल मार्केटिंग का आज के समय में कितना ट्रेंड है, आज इसकी कितनी ज़रूरत है, ये तो आप सभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सुन ही चुके होंगे। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना कॉम्पिटिशन है ये भी आप सभी जानते हैं। एक एक वैकेंसी के लिए आज 1,000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे समय में मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन करके जहां हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वहां हम अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए जिस जानकारी की ज़रूरत होती है वह कुछ लोगों को नहीं होती, और वो जानना चाहते हैं कि इसमें अपनी आईडी फीड कैसे करें। आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग की ब्राइट फ्यूचर कंपनी में आईडी कैसे लगाएं तथा उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे मेरे सहयोगी मिस्टर मुकेश कुमार राठी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञान कुंड को और नई वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुषमा जी का, जिन्होंने मुझे इस इनके चैनल पर आने का मौका दिया। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, जैसा आपको सुषमा जी बता रही थी, आज मैं आपको उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में ब्राइट फ्यूचर कंपनी में आईडी किस प्रकार से लगाते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यहाँ पर एड्रेस बार में मैंने टाइप किया fgssystems.in। इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर यानी कि जो पहले से ज्वाइन है उनको यहाँ पर हम क्लिक करके ओपन करते हैं। उनकी आईडी को ओपन करेंगे, लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं पिन जनरेशन में, लेकिन उससे पहले हमें ई बैलेंस देखना ज़रूरी होता है। जितना पिन मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। सपोज़ करो एक पिन चाहिए, मैंने क्लिक किया और इसको मैंने जनरेट किया। यहाँ पर लिखा आएगा योर पिन जनरेटेड सक्सेसफुली। इस पिन की डिटेल जो मिलेंगी मुझे वो मिलेंगी मुझे पिन डिटेल्स में। कुछ पिन ऑलरेडी थे, अब यहाँ पर जिसको ज्वाइन करना है उसको क्लिक टू ज्वाइन में जाते हैं। क्लिक टू कुछ इंटरफेस इस प्रकार से खुलेगा। अब इस इंटरफेस में उस इंडिविजुअल्स की कंप्लीट डिटेल्स हम डाल देते। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स डालने के बाद हम उस इंडिविजुअल की आईडी को जनरेट करते हैं, और सबसे पहले हम यूनिक आईडी का नाम लिख करके लगाएंगे। उसके बाद चेक टू अवेलेबिलिटी, अगर हमारे पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो लिखा हुआ आ जाएगा अवेलेबल, अदरवाइज़ दूसरा आपको नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर या कहें तो लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, कंफर्मेशन करते हैं। कंफर्मेशन करने के बाद फाइनल सबमिट, आर यू वांट श्योर, श्योर करने के बाद पता चलता है येस, अगर सही है तो सब कुछ आपको ईमेल मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, उसमें पता चलता है कि आपका जो वेरीफाई की आई है उसको आपने नोट करके रखना होता है। अब इस वेरीफाई की आवश्यकता हमें पड़ती है ब्राइट फ्यूचर में। यहाँ पर FGS में इसका काम खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं ब्राइट फ्यूचर की साइट के ऊपर। दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ गए हैं ब्राइट फ्यूचर की साइट के ऊपर। उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर को या ज्वाइन पर्सन को यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। उस इंडिविजुअल को लॉगिन करने के बाद एक इंटरफेस खुलता है जो जिसके माध्यम से हमें यह आईडी लगानी होती है। उस इंडिविजुअल का यहाँ पर इंटरफेस खुला, फिर हम जाएंगे मैनेज अकाउंट, साइनअप। साइनअप करने के बाद सेम इंटरफेस खुलता है। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें उसके अपलाइन का नाम, दूसरी साइड में राइट में आप देख रहे हैं स्पॉन्सर आईडी, ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लेफ्ट या राइट में लगाना होता है उस स्पॉन्सर आईडी का सही नाम हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा तो अभी हमें उसके लेफ्ट और राइट जहाँ पोजीशन खाली है वहाँ पर हम उस इंडिविजुअल की डिटेल्स को डालते हैं और कंप्लीट डिटेल्स को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स डालने के बाद फिर हम चेक कर लेते हैं, तो ये बताता है कि यस वो इंडिविजुअल अवेलेबल है या नहीं। अब हम उसकी कोई भी चीज़ है जो भी फाइनल करने से पहले एक बार रीचेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था नाम चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर उसको ठीक किया मैंने, और अपना वेरीफाई की और लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी होता है, जो आईडी हम बना चुके हैं उसके लिए है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है FGS में। यहाँ पर अब हमने फाइनल उसका जो वेरीफाई की आई थी उसको यहाँ पर डालते हैं, और उसके बाद में चेक करने के बाद सारी डिटेल्स को फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर फाइनल सबमिट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, और अब मैंने एक बार फिर फाइनल चेक कर लिया है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं गलती हो, क्योंकि एक बार जो आपने इसके अंदर एंट्री कर दिया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, इसलिए फाइनल सबमिशन से पहले ज़रूरी है चेक करना। एक बार मैंने चेक करने के बाद मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। हमने इसको ओके किया,
अब आपका इंटरफेस जो खुलेगा उसमें पता चलता है कि आपकी जो आईडी क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।